दोस्तों, फूड क्रेविंग एक बीमारी है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सही समय पे अगर सॉल्व नहीं किया तो बहुत सारी बीमारी को ये आमंत्रित कर सकता है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग फूड क्रेविंग के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए लोग शायद हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम देखेंगे फूड क्रेविंग क्या है और कैसे एक सही प्रैक्टिस से हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सो फूड क्रेविंग को समझने के लिए हमें यह समझना है कि खाना दो तरीके का होता है, एक होता है शरीर का फूड और एक होता है मन का फूड। यानी शरीर का फूड यानी अगर इसको हम नहीं खाएंगे तो शरीर शायद नहीं चलेगा, जैसे शरीर की एनर्जी के लिए, शरीर के हॉर्मोन्स के लिए, शरीर के स्ट्रक्चर के लिए, शरीर के मसल्स के लिए हमें इन टाइप के फूड खाना जरूरी है। जैसे कि प्रोटीन फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सूप हो गया, बहुत तरीके के हेल्दी फूड्स मार्केट में अवेलेबल है और जो हम रेगुलर अमाउंट में खा रहे हैं। और एक टाइप है मन का फूड, यानी पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, सैंडविच हो गया, स्वीट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, कैंडी हो गया, जो भी जंक फूड जिसको हम बोलते हैं। क्या सही में ये आपके शरीर को नीड है? नहीं। शरीर को क्या नीड है? हेल्दी फूड। तो शरीर का फूड एंड मन का फूड, इन दोनों को डिफरेंशिएट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, शरीर के कौन से फूड है, मन के कौन से फूड है, इसके ऊपर मैं जरूर डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए खाली समझना है कि कौन सा फूड आपके शरीर के लिए चाहिए और कौन सा फूड आपके मन के लिए चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करना सीखो। कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? एक आसान तरीका है, जब भी हम खाना खाएंगे तो हम अपने आप को क्वेश्चन पूछेंगे कि हम ये खाना क्यों खा रहे हैं। अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फूड क्रेविंग के ऊपर आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे करना है तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इंसान खाना ये चार रीजंस की वजह से ही खाता है, जिसको बोला गया है HALT टेक्निक्स। क्या है HALTs? यानी H यानी हंगर। इंसान तभी खाना खाता है जब उनको एक शरीर से भूख लगती है, एक भूख का सेंसेशन होता है, एक हॉर्मोन्स उनको बताता है अब हंगरी है, अभी आपको खाना है। इसको बोलेंगे हंगर, जो एक्चुअल है, जो हमारा शरीर की बायोलॉजिकल हमारे बोल देता है कि हमें अभी फूड की जरूरत है। मैक्सिमम लोग तभी खाना खाते हैं जब भूख लगती है। सेकेंड कैटेगरी जो ए है वो है एंग्री। बहुत सारे लोग तब खाना खाते हैं जब गुस्से में होते हैं। आप समझो, उस समय पे शरीर को खाना नहीं चाहिए, उस समय पे आप इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपका मन संतुलित नहीं है। आपके किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ दुख की बात कर दी, अनचाही घटना हो गई, इसके लिए हमें जो वो भड़ास है सारी वो हम खाने के ऊपर निकाल रहे हैं। इसको बोलेंगे हम एंगरनेस से खाना। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आप एंग्री है। थर्ड जो है L का मतलब है लोनलीनेस। जब भी हमने देखा है, आपने भी ये महसूस किया होगा, जब हम अकेले होते हैं, कुछ काम नहीं होता है, जब टीवी देख रहे हैं, आसपास में कोई है नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम खाना ढूंढते हैं, हम किचन में जाते हैं और उसी मोमेंट पे कुछ ना कुछ ओपन करके हम खाना खाते हैं। सो लोनली जब इंसान होता है तब भी खाना खाता है। उसी समय पे भी शरीर को खाने की जरूरत नहीं है, बट मन संतुलित नहीं है, इधर 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 घूम रहा है, इसकी वजह से हम खाना खा रहे हैं और मन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसको बोलेंगे लोनली। एंड फोर्थ, और मैक्सिमम लोग इसलिए खाना खा रहे हैं, क्यों? बिकॉज टी यानी टेस्ट। ध्यान समझने की कोशिश करिए, आप पिज्जा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, मंचूरियन खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, डेजर्ट्स खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? बिकॉज ऑफ टेस्ट। हम शायद टेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं। शादियों में मैक्सिमम लोग टेस्ट के लिए खाना खा रहे हैं, शरीर के लिए नहीं खाते हैं। शरीर के लिए खाना और मन के लिए खाना, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि हम खाना क्यों खा रहे हैं। HALT। अगर हंगर है तो शरीर की भूख है, अगर लोनलीनेस के लिए खा रहे हैं, एंगरनेस के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो मन का खुराक है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सो आप ये चीज कर सकते हैं, खाना खाने से पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछना है।
अगर 7 दिन के लिए टेक्निक्स को यूज करते हैं तो आप फूड क्रेविंग के ऊपर बहुत कंट्रोल पाने लगेंगे। क्या आप करेंगे? अगर आप रेडी है तो आप चैट में लिखिएगा आई प्रॉमिस। ओके, कुछ कुछ नहीं करना है, खाना खाने से पहले पूछना है एक्चुअली में हंगर है या तो लोनलीनेस के लिए खा रहे हो, एंगरनेस के लिए खा रहे हो या तो टेस्ट के लिए खा रहे हो, बस इतना। और फिर खाओ, बिंदास खाओ, बट खाली पूछो। अगर जवाब हंगर एच आ रहा है तो शरीर का खाना है, आपको खाना ही चाहिए। लेकिन अगर आंसर आ रहा है एंगरनेस, लोनलीनेस या तो टेस्ट के लिए, तो मन का खुराक है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, अवेयरनेस ही काफी है। आई होप आपको ये वीडियो क्लिप बहुत अच्छी लगी हो और मेरी आशा है कि इस वीडियो क्लिप से आपकी जिंदगी चेंज होगी, फूड क्रेविंग के ऊपर आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खाली 7 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो क्लिप आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। इसी तरीके से आप वीडियो क्लिप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी रिसेंट वीडियो क्लिप को आप जरूर देखें, जिनको देख के आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। सो आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच।